गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लें। जिस तरह से आप अटेंडेंस बनाते हैं उसी प्रोसेस से ही बनाना है, तो जल्दी अपनी अटेंडेंस बना लें आप लोग। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप लोग अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 118। ठीक है, और जिन बच्चों के पास नोट बुक नहीं है, नोटबुक है, तो उनसे मैं फिर से ये बात रिपीट कर दूं, उन्हें फिर से ये बात बता दूं कि आप अपनी बुक परचेस करवाएं जल्द से जल्द। और अभी फ़िलहाल आप लोग अपनी नोटबुक ही ओपन कीजिएगा मैथमेटिक्स की, जहाँ पे होमवर्क था, ठीक है, प्रीवियस होमवर्क। लेकिन आप अपनी बुक हर हाल में परचेस करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। दोनों बातों पे ध्यान दीजिए, दोनों बातें आप सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बुक होनी ज़रूरी है सभी के पास, और क्लास में प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये बात आप सभी को फर्स्ट रोज से समझाई जा रही है, बताई जा रही है, और आप लोग जानते भी हैं कि सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। और दूसरी बात, सभी के पास बुक होनी चाहिए, ठीक है ना। बिना बुक के हम स्टडी नहीं कर सकते, और बिना क्लासेस के भी स्टडी नहीं हो सकती। क्लासेस में आपको हर तरह की एक्टिविटीज़ बताई जाती है, लिखने का तरीका बताया जाता है, पढ़ने का तरीका बताया जाता है, ये सभी बातें बताई जाती है। और ये बातें हर बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, ज़रूरी होती है। तो आपकी क्लास में प्रेजेंटेशन होनी ज़रूरी है, और साथ में सभी के पास बुक होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं वो अपने फ्रेंड से भी कहें कि वो क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। तो कल का क्लास तो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोगों का होमवर्क था एक्सरसाइज 8.4 में, है ना, सब्ट्रैक्टिंग द फॉलोइंग, आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया था। और बुक वाले बच्चे तो देख ही रहे होंगे, 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे और उसमें से 4 क्वेश्चन छोड़ दिया गया था। तो पहले मैं प्रीवियस क्लास का 4 क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद जो आज का होमवर्क होगा वो दूंगी। तो चलिए, आप सभी बच्चे अपनी बुक और नोटबुक पे ध्यान दीजिएगा और आंसर बोर्ड से मैच कीजिएगा, ओके। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सब्ट्रैक्टिंग द फॉलोइंग है एक्सरसाइज 8.4, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए क्या है, इस तरह से ब्लॉक्स बना दिया था, ठीक है ना, रुपीस एंड पैसे, है ना। उसके बाद ये ब्लॉक्स छोड़ दिया गया था, फिर ये वाला ब्लॉक्स, है ना, इस तरह से कॉलम था, क्या था, 97 रुपीज़ एंड 75 पैसे। उसके बाद था 34 रुपीज़ एंड 50 पैसे, है ना, इसको माइनस करना था। 97 रुपीज़ 75 पैसे में से 34 रुपीज़ 50 पैसे माइनस करने हैं। तो चलिए मैं करके बता रही हूँ और आप लोग सभी अपना आंसर चेक कर लेंगे। 5 माइनस 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा, है ना। उसके बाद 7 माइनस 5, 7 में से 5 माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 2। उसके बाद है पॉइंट, 7 माइनस 4, कर सकते हैं क्योंकि 7 लार्जेस्ट नंबर है और 4 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो 7 में से 4 माइनस कीजिएगा,
तो 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 बचेगा, 3 लेफ्ट रह जाएगा। एंड 9 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 6 लेफ्ट रह जाएगा। तो टोटल रुपीज़ कितने बच गए, 97 रुपीज़ एंड 75 पैसे में से अगर माइनस किया गया तो टोटल रुपीज़ कितने बच गए, तो 63 रुपीज़ एंड 25 पैसे लेफ्ट, मतलब बच गए, है ना, ये बच गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह से बनाना था, रुपीज एंड पैसे। ओके, सेकंड कॉलम खाली रखना है, ठीक है। 85 रुपीज एंड 50 पैसे, उसके बाद था 85 रुपीज में से 42 रुपीज को माइनस करना है एंड 25 पैसे को माइनस करना है। ओके, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करना। तो क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो अगर आप 0 में से 5 माइनस कीजिएगा तो आंसर आएगा, नहीं आएगा तो क्या करना होगा, इसको बोरो देना होगा, मतलब उधार लेना होगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 ने अपने में से एक दे दिया 0 को, तो ये 4 हो जाएगा और वो 10 हो जाएगा। अब हम आसानी से 10 में से 5 माइनस कर सकते हैं, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, और 4 में से 2 आसानी से माइनस हो सकता है, तो बोरो लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ये पॉइंट यहाँ पे दे देना है। अब क्या करना है, 5 माइनस 2 आसानी से हो सकता है, तो 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना लेफ्ट रह जाएगा, 3 लेफ्ट रह जाएगा। 8 माइनस 4, 8 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 4 लेफ्ट रह जाएगा। तो टोटल रुपीज़ कितने रह गए, बच गए तो 43 रुपीज़ एंड 25 पैसे लेफ्ट रह गए, मतलब हमने इतने में से इतने पैसे को घटा दिया तो हमारे पास इतने रुपीज़ जो हो गए वो लेफ्ट रह गए, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 63 रुपीज़ एंड 25 पैसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, मतलब जो हमें सम्स मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद है 43 रुपीज़ एंड 25 पैसे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व कर देती हूँ, बस मैं नंबर्स को इरेज करूँगी, ठीक है ना, ब्लॉक्स को यानी कि जो कॉलम्स हैं उसको इरेज नहीं करूँगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में है 118 रुपीज़ एंड 25 पैसे में से कितना माइनस करना है, 109 रुपीज़ एंड 50 पैसे माइनस करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हम लोग को किधर से स्टार्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो लेफ्ट साइड से, मतलब पैसे की तरफ से। फाइव माइनस ज़ीरो, 5 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 ही रह जाएगा। ओके, अब क्या करना है, 2 माइनस 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, ये 8 से बोरो लेगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ओके, और ये 7 रह जाएगा। अब हम 12 माइनस 5 कर सकते हैं, तो 12 में से 5 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर जो आपको लेफ्ट यानी कि जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, 7। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट दे देना है। अब हम 7 में से 9 माइनस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, ये बोरो लेगा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, 17 माइनस 9 हम कर सकते हैं, तो 17 में से आप 9 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर जो मतलब जो लेफ्ट बच जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। और हम 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही होगा, 8 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा,
ठीक है ना, 1-1=0, तो यहाँ पे आपका टोटल रुपीज़ कितना रह गया, तो ₹8.75 बच गया। यहाँ पे 1 था तो 1 यहाँ पे 7 को बोड़ो दे दिया, तो ये 17 हो गया और ये 0 रह गया। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही होगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही हो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ, मतलब टोटल आपके कितने पास रुपए हैं, तो 8 ही रुपए बचे। आपको 118 में से अगर 119 माइनस करना होगा तो टोटल कितने बच जाएंगे, कितने लेफ्ट रह जाएंगे, तो 8 रुपीज़ आपके पास लेफ्ट रह जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 लिखना ज़रूरी नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले इसको कॉलम को बना लूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में है 235 रुपीज़ एंड 50 पैसे, उसके बाद है 235 रुपीज़ में से 174 रुपीज़ माइनस कर देना है, और 50 पैसे में से 75 पैसे माइनस करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, 0 बोड़ो लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके, और ये 4 हो जाएगा, तो 10-5 हो जाएगा आराम से। तो 10 में से 5 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितने लेफ्ट रह जाएंगे, तो 5। अब हम 4 में से 7 माइनस करेंगे, तो 4 में से 7 माइनस होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, तो ये बोड़ो लेगा, रुपीज़ की तरफ से बोड़ो लेगा, ठीक है ना, और ये 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 14 में से 7 माइनस करना है, तो 14 में से 7 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितने रुपये पैसे बच जाएंगे, तो 14 में से 7 माइनस कीजिएगा तो 7 रह जाएगा, क्योंकि अगर हम 7 को 7 यानी कि 7 में 7 ऐड करते हैं तो 14 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 14-7=7। अब हम आएंगे रुपीज़ की तरफ, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, 4-4 हो सकता है, मतलब सेम नंबर में से सेम नंबर अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 0 में आता है, ओके। अब 3-7 है, तो 3 में से आप 7 माइनस कीजिए, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये बोड़ो लेगा 2 से, तो ये 13 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ओके। तो 13-7 हम आसानी से कर सकते हैं, तो 13 में से आप 7 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितने रुपये, कितने पैसे बच जाएंगे, कितने रुपए बच जाएंगे, तो आपके पास 6 रुपये बच जाएंगे। अगर आप 13 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ निकाल देते हैं तो आपके पास 6 रुपीज़ बच जाएंगे। उसके बाद 1-1=0, तो यहाँ पे 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर हाँ बाद वाला नंबर होता तो हम लिख लेते, पहला अगर है मतलब इससे 6 से तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने रुपीज़ हो गए, अगर आपको क्या बोलते हैं माइनस करना है कितने से, 235 रुपीज़ एंड 50 पैसे में से आपको 174 रुपीज़ एंड 75 पैसे माइनस करने थे, तो टोटल आपके पास कितने रुपीज़ बच गए, तो 60 रुपीज़ 75 पैसे आपके पास बच गए, रह गए, तो 60 रुपीज़ एंड 75 पैसे आपका आंसर हो गया, ओके। तो इस तरह से आपने सभी क्वेश्चन मतलब चारों क्वेश्चन का आंसर मैच कर लिया होगा। और अब चलिए जो आपका होमवर्क है वो देखते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया 8 रुपीज़ 75 पैसे, और आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, 60 रुपीज़ एंड 75 पैसे। जैसे आप मार्केट जाते हैं, ठीक है ना, आपकी मम्मी आपको पैसा दे रही है कि बेटा इतने रुपए रखो और
ये सामान लाना है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, ओके, तो 100 रुपीज़ में से आपको दिया जा रहा है कि कुछ सामान लाना है, जैसे कि आपको नोटबुक लेनी है अपनी और मम्मी के लिए कुछ सामान है, जैसे किचन का सामान ही है। तो जैसे आप मार्केट से सामान लिया है, ठीक है ना, आपके पास 100 रुपीज़ था, आपने मार्केटिंग किया, तो उसमें से जैसे आपको नोटबुक लेनी थी, तो नोटबुक आपके पास है नहीं है, ठीक है ना, तो आपने एक नोटबुक लिया, दो नोटबुक ली, मान लीजिए उसका प्राइस आपका 50 रुपीज़ हो गया, तो 100 रुपीज़ आपके पास था, अब आप मम्मी के पास आए हैं तो मम्मी को हिसाब भी देना है, तो 100 रुपीज़ में से जितने का आपने सामान लिया उसको लिखना होगा, और उसके बाद आपको 100 रुपीज़ में से उतना माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो जो आपका लेफ्ट रह जाएगा, मतलब जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा, मतलब 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ का आपने नोटबुक खरीदी, ठीक है ना, तो आपके पास कितने रुपए बच गए, तो 50 रुपीज़ बच गए। तो यही है, मतलब तरीका यही है कि जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं तो हमारे पास एक अमाउंट होता है, ठीक है ना, उसके बाद हम जब घर पे आते हैं, मार्केटिंग हमने कर ली, ठीक है ना, हम घर पे आते हैं तो हम हिसाब करते हैं कि हमने कितने की मार्केटिंग की, मतलब हमारे पास इतना अमाउंट था और हमने इतने की मार्केटिंग की, तो टोटल हमारे पास कितने रुपये बच गए हैं, तो इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। और मार्केटिंग मतलब जब करने जाते हैं तो ऐड भी करना होता है, मतलब पैसे कौन कौन से सामान खरीदे तो कितने पैसे लगे, है ना, तो वो ऐड करना होता है, ठीक है ना। तो हम सामान का जो प्राइस होता है वो लिखेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे कि हमने कितने रुपए खर्च किए, तो वहाँ पे क्या होगा, हम ऐड करेंगे और हमारा हिसाब चाहिए, मतलब इतना अमाउंट था मेरे पास तो हमने इतने की मार्केटिंग की, तो हमारे पास टोटल अब कितने रह गए, मतलब कितने पैसे बच गए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, टोटल अमाउंट में से उतने पैसे को माइनस करना होगा और देखना होगा कितने रुपए बच गए, ठीक है ना। तो ये है हमें, यानी कि तरीका है कि हम कैसे पैसे को, मनी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ओके। अब है आपका इसका जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन बच गया था वो, ठीक है ना। तो बुक वाले बच्चे अपनी बुक में होमवर्क लगा ले, जो बाकी यानी कि आपका 8.4 का जो 4 क्वेश्चन बच गया था तो उसमें आप अपना SW लिख ले, और नोटबुक वाले बच्चे जहाँ पे आपने प्रीवियस होमवर्क उतारा था अगर वहाँ पे जगह बची हुई है, लाइनें बची हुई है अच्छी खासी, तो वहीं से उतारना स्टार्ट कीजिएगा, और अगर लाइनें नहीं है, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप न्यू पेज से उतारना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ, और चलिए अब क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग यही दे रही हूँ, SUBTRACT सब्ट्रैक्ट द FOLLOWING फॉलोइंग, ठीक है, हेडिंग वही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसी तरह से मैं कॉलम बना रही हूँ, फर्स्ट कॉलम में रुपीस एंड पैसे, सेकंड कॉलम ब्लैंक्स छोड़ना है, थर्ड कॉलम इसमें भी लिखना होगा और इसमें भी, मतलब टोटल आपको 6 कॉलम्स बनाने हैं, ओके। फर्स्ट कॉलम में आपको रुपीस एंड पैसे लिखने हैं, उसके बाद सेकंड कॉलम छोड़ देना है, अब थर्ड कॉलम जो है उसमें आपको नंबर लिखना है, 724 रुपीज़ एंड 55 पैसे में से आपको माइनस करना है 147 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ओके। और नीचे में आपको टोटल रुपीज़ अमाउंट लिख देना है, कितने अमाउंट आपके पास रह गए हैं, लेफ्ट रह गए हैं, तो वो लिख देना है, मतलब 724 रुपीज़ एंड 50 पैसे में से आपको 147 रुपीज़ 25 पैसे माइनस कर देने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से वही कॉलम बनाना होगा आपको,
एंड पैसिव। सेकंड कॉलम छोड़ना है ब्लैंक्स। थर्ड कॉलम में आपको नंबर लिखना है ना। माइनस 921 रुपीस एंड 25 पैसे माइनस 354 रुपीस एंड 75 पैसे माइनस करने हैं और यहाँ पे अमाउंट लिख देना है टोटल अमाउंट। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और ये 6 हो गया। 724 रुपीस एंड 50 पैसे में से आपको 147 रुपीस एंड 25 पैसे माइनस करने हैं और टोटल यहाँ पे आएगा तो उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद 921 रुपीस एंड 25 पैसे में से आपको 354 रुपीस एंड 75 पैसे माइनस करने हैं। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो 7 और 8 क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है दोनों, तो वो लिख लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप कॉलम बनाइएगा और टोटल कितने कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम होने चाहिए। ठीक है ना, तो ऊपर वाले में आपको रुपए एंड पैसे लिखने हैं, उसके बाद सेकंड कॉलम खाली छोड़ना है क्योंकि वहाँ पे आप बोरो लीजिएगा तो वो अमाउंट लिखिएगा। ठीक है ना, तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपको बनाना है। और हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर सीरीज करूँगी, आपको कॉलम बनाना होगा। मतलब 5 का जिस तरह से आपने बनाया और 6 का बनाया, उसके बाद 7 का भी कॉलम बनाना होगा और 8 का भी कॉलम बनाना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर इरेज करके क्वेश्चन लिख दूँगी। ठीक है ना, आप वैसा काम नहीं कीजिएगा, आपको कॉलम बनाते रहना है। ठीक है ना, जितनी बार आप क्वेश्चन उतारिएगा उतनी बार कॉलम बनाइएगा, उसके बाद उसमें नंबर फिल कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, अब 7 और 8 दूँगी, तो इसे बस मैं इरेज कर रही हूँ। 5 और 6 के बाद आप 7 और 8 लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 393 रुपीस एंड 50 पैसे में से आपको 256 रुपीस एंड 25 पैसे माइनस करने हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर एट में है 408 रुपीस एंड 0 पैसे माइनस 215 रुपीस एंड 50 पैसे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, आप इसे अच्छे से बनाइएगा। और हाँ, जितनी बार आप क्वेश्चन उतारिएगा उतनी बार आपको कॉलम बनाना होगा। तो 5 एंड 6 था, ये 7 और 8 है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सभी बच्चे, अपनी जो नोटबुक वाले बच्चे हैं उनके लिए है कि नीट एंड क्लीन में पहले कॉलम्स बनाइएगा। और कितने कॉलम्स होने चाहिए, तो टोटल 6 कॉलम होने चाहिए, है ना, 1 2 3 4 5 6। और अच्छे से बनाइएगा, एक तरफ रुपए लिखना है और एक तरफ पैसे के बारे में लिखना है। तो आप जब नंबर उसमें यानी कि कॉलम में लिखिएगा तो अच्छे से लिखिएगा, ताकि आपको एक तरफ पैसे समझ में आए और एक तरफ रुपीज़ के बारे में समझ में आए। ठीक है ना, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है ना, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो उन गुड मैनर्स टिप का जो यूज़ है, आप यूज़ कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, है ना। जो भी गुड मैनर टिप दिया जा रहा है तो आप सभी उस पर ध्यान दीजिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। अगर आप अपने सामने देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो गुड मैनर टिप, मतलब वो आदत उनकी अच्छी नहीं है, जैसे कि है ना, अब तक आप लोगों को जो भी सिखाया है, जैसे थूकने की आदत है ना, तो बहुत सारे लोग जहाँ तहाँ थूक देते हैं, वॉश बेसिन में भी थूकते हैं, उस पर पानी नहीं डालते। तो आप लोगों को इसीलिए समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है रेगुलर। तो उन सभी बातों को, जो भी बात है, मतलब गुड हैबिट्स है, सेफ्टी रूल्स है ना, तो ये सब आप खुद भी फॉलो कीजिए और दूसरों को भी बताइए। तो आज का जो मतलब सेफ्टी रूल्स ही बोलिए, ठीक है ना, सुरक्षा के जो नियम होते हैं, है ना, तो ये गुड हैबिट में भी आता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो आज का है
क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, तो आप सभी को तो ये बात पढ़ाई गई है, आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि जब भी सड़क पार करो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है। ठीक है ना, सड़क पे एक वाइट पट्टी और ब्लैक पट्टी जैसा होता है, तो उसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो हमारे गांव में तो नहीं है, लेकिन शहरों में होता है। ठीक है ना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, और अगर आप पार कर रहे हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क को पार कीजिए। ठीक है ना, और अपने दाएं बाएं देख लीजिए, आपके दाएं बाएं व्हीकल्स गाड़ियां आ रही है जा रही है, मतलब कम आ रही है जा रही है, दूर है तो ही आप पार किया कीजिए। ठीक है ना, इसमें क्या है, आप सेफ रहिएगा। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा रोड को सड़क को पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ओके, और ये होमवर्क आपका हो गया, और सभी बच्चे अपने बुक और नोटबुक में होमवर्क नोट कर लेंगे और इसे बनाएंगे और समझ समझ के बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।